हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरे चैनल टेक ज्ञान पर सबका स्वागत है। आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं टेक न्यूज़ के बारे में नहीं बट अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। आज है मार्च महीने का आखिरी दिन, सो आज के दिन जो है हम अपकमिंग स्मार्टफोन वाला जो है वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दो वीडियो के लिए टाइम मेरे पास नहीं होता है। सो इस वीडियो के बारे में आज बात करने वाला है कि कौन कौन से स्मार्टफोन हमें अप्रैल महीने के अंदर लॉन्च होते देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन पर दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मेरे को वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस वीडियो को देख पाओ। साथ ही में मेरी ये मेहनत ये रिसर्च पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड हो, अगर उनको पसंद है तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए अब देखते हैं कि आज क्या कौन कौन से स्मार्टफोन जो है वो हमें लॉन्च होते देखने को मिल सकते हैं अप्रैल के महीने। सो अब जो हम पहली ब्रांड के बारे में मैं आपको बताऊं कि कौन सा उसका स्मार्टफोन आने वाला है, उससे पहले आज है 31 मार्च, आज से जो है टाटा IPL शुरू होने वाला है। सो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो, फैंटेसी टीम में आप पार्टिसिपेट करते हो कि नहीं, और आप कौन से टीम को सपोर्ट करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। सो अब जो पहली ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है ASUS के बारे में। तो ASUS का ROG Phone 7 जो है एक फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन जो होता है वो कन्फर्म है। जैसे कि मैंने टेक न्यूज़ के अंदर भी आपको बताया था 13 अप्रैल को जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे हमें ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ देखने को मिलता है। सो अब जो हम दूसरी ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोको के स्मार्टफोन के बारे में, और मैं बात करूँ पोको F5 स्मार्टफोन। अब आपको जैसे कि मैंने आपको टेक न्यूज़ के अंदर बताया कि Redmi Note 12 Turbo जो है वो अब ग्लोबली पोको F5 के नाम से लॉन्च होने वाला है, जो इंडिया के अंदर पोको F5 के नाम से ही आने वाला है, जिसका फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। कहा और इसकी भी जो डेट है वो कन्फर्म है कि 6 अप्रैल को जो है ये स्मार्टफोन में लॉन्च होता देखने को मिलने वाला है। हालांकि पोको F5 Pro भी जो है कहा जाए कि Redmi K60 के नाम से ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, बट इंडिया में आने वाला है कि नहीं पता नहीं है, अगर आता है तो देखते हैं कि अप्रैल में देखने को मिलता है कि नहीं, बट फिलहाल के लिए पोको F5 ही जो है वो लॉन्च होने वाला है। सो अब जिस स्मार्टफोन के बारे में स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है OnePlus के बारे में। तो OnePlus Nord CE3 Lite स्मार्टफोन है, जैसे कि आप सबको पता है कि 4 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। साथ ही में उसके साथ OnePlus के जो Nord Buds 2 है वो भी हमें लॉन्च होता देखने को मिलने वाला है। देखते हैं कि ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है कौन सी प्राइस पर हमें लॉन्च होते देखने को मिलते हैं। बीच में ऐसे स्पेकुलेशन काफ़ी आ रहे थे कि OnePlus Nord 3 भी लॉन्च हो सकता है, बट कन्फर्म नहीं है, इतने चांसेस कम दिख रहे हैं। बट अगर देखते हैं कि अगर लॉन्च हो जाए तो, क्योंकि डायमेंसिटी 9000 के ऊपर आई थिंक वो स्मार्टफोन रन करने वाला है, देखते हैं कि OnePlus Nord 3 के बारे में आगे हमें क्या न्यूज़ मिलती है। अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक इंडियन ब्रांड है, तो वो है लावा। सो लावा की तरफ से Blaze 2 स्मार्टफोन है, उसका मैंने टेक न्यूज़ के अंदर अभी बात किया था, वो उसके काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो अप्रैल के महीने में हमें लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। कन्फर्म डेट उसकी निकल की नहीं है, बट चांसेस है उसका शायद एक आध दो पोस्टर भी निकल के आया, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इससे पहले फोटो नहीं निकल के आया था, बट शायद अभी एक दो पोस्टर आए हैं, वो मैं आपके लिए स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। अगर मिल जाएंगे तो श्योर आप उसको स्क्रीन पे देख पाओगे जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तब। तो उसका चांसेस है कि वो, और वो आई थिंक बजट लेवल स्मार्टफोन होने वाला है 10,000-11,000 के आसपास का। देखते हैं कि कौन से स्पेक्स के साथ ये लॉन्च होता है। सो अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हुए वो है सैमसंग के बारे में। सैमसंग ने लास्ट मंथ जो है काफ़ी सारे 2-3 स्मार्टफोन लॉन्च किए ए सीरीज़ के, एफ सीरीज़ का, बट अब शायद जो है ग्लोबली आई थिंक वो कुछ कुछ जगहों पे जो है कुछ कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, और वो है सैमसंग गैलेक्सी M54 स्मार्टफोन, एम सीरीज़ का स्मार्टफोन, जिसके अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर जो है वो देखने को मिलने वाला है, बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। अब ये स्मार्टफोन जो है उसके काफ़ी तक चांसेस है कि वो इंडिया में हमें अप्रैल के महीने में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही में और एक स्मार्टफोन जो है मैंने आपको टेक न्यूज़ के अंदर डिस्कस किया था, सैमसंग गैलेक्सी A24, उसके चांसेस बहुत कम है, बट शायद हो सकता है कि ए सीरीज़ में एक जो है बजट स्मार्टफोन ए सीरीज़ का जो है हमें शायद लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। ए सीरीज़ का बजट तो नहीं कहूँगा, बट काइंड ऑफ जो है 20,000-25,000 के आसपास जो हमें शायद मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते, देखते कि आगे उसके बारे में हमें क्या न्यूज़ मिल पाती है। तो अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो की तरफ से हमें ए सीरीज़ का जो अभी काफ़ी 2-3 बार मैंने टेक्निक्स के अंदर उसके बारे में डिस्कस किया था, और वो है ओप्पो A98 ए सीरीज़ का, ओवररेटेड उनका जो बजट स्मार्टफोन बजट सीरीज़ कहा जाता है वो। अब ये स्मार्टफोन जो है वो चाइना में आई थिंक लॉन्च हो चुका है, अब देखते हैं कि इंडिया में आता है कि नहीं, और आता है तो क्या हमें देखने को मिलता है अप्रैल के महीने में, ये एक मिस्ट्री है। देखते हैं, मतलब मिस्ट्री यानी कि कुछ कन्फर्म नहीं है, देखते हैं कि इसके बारे में हमें आगे क्या न्यूज़ मिल पाती है। सो अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं उसके 2-3 स्मार्टफोन हमें शायद लॉन्च होते देखने को मिलने वाले हैं, और उसमें से पहला मैं आपको बताने वाला हूँ रियलमी का, जो रियलमी ने प्रोजेक्ट N के नाम से अभी न्यूज़ टेक न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था, वो है नार्जो N55 स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन अप्रैल 12 को जो है कहा जा रहा है लॉन्च हो सकता है, कन्फर्म डेट कंपनी की तरफ से निकल के नहीं आई है। साथ ही में दूसरा एक स्मार्टफोन जो है रियलमी GT3,
काफ़ी हद तक चांसेस है 240 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, बट उसकी भी ऑफिशियल डेट अभी तक निकल के नहीं है, बट चांसेस काफ़ी हद तक है कि वो हमें लॉन्च होते देखने को मिल सकता है। थर्ड स्मार्टफोन जो है वो है रियलमी का GT Neo 5 SE है, वो स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होने वाला है, बट इंडिया में क्या हमें अप्रैल में देखने को मिल सकता है कि नहीं पता नहीं, बट हो सकता है शायद अप्रैल एंड तक शायद हमें देखने को मिल सकता है या फिर मई महीने में फॉर श्योर देखने को मिल सकता है। बट ऊपर के वाले जो दो स्मार्टफोन मैंने आपको बताए नार्जो और जो GT 3, उसके काफ़ी तक चांसेस है कि वो हमें अप्रैल में देखने को मिल सकते हैं इंडिया के अंदर। सो अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है आइको के बारे में। तो आइको की तरफ से जो है Z7X जो है ग्लोबली लॉन्च होने वाला है और इंडिया में भी आने वाला है, साथ ही में ग्लोबली Z7i स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है, बट वो इंडिया में आने वाला है कि नहीं है वो पता नहीं है। जैसे कि Z7X है जो स्नैपड्रैगन 695 के ऊपर हमें रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है। सो ये स्मार्टफोन कन्फर्म है, Z7i का पता नहीं है, बट वो ग्लोबली लॉन्च ज़रूर होने वाला है। अब देखते हैं कि क्या दोनों स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं या फिर Z7X तो हमें कन्फर्म है कि देखने को मिलने वाला है, देखते हैं कि उसके लॉन्च डेट जो है वो कब की निकल के आती है। तो अब जिस आखिरी ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवो के बारे में। तो वीवो की तरफ से जो है हमें पहले तो X90 सीरीज जो चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है वो हमें इंडिया में इस महीने शायद लॉन्च होते देखने को मिल सकती है, एक या दो फोन जो हमें फॉर श्योर उसके देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में वीवो का V27 सीरीज जो लॉन्च हो चुका है उसमें वीवो V27e जो लाइटर वर्जन कहा जाता है Helio G99 के ऊपर हमें रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है, जो अप्रैल महीने के अंदर में लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। देखते हैं, हालांकि ऑफिशियल डेट कंपनी की तरफ से निकल के नहीं आई है, बट काफ़ी हद तक चांसेस है कि फॉर श्योर हमें लॉन्च होता देखने को मिल सकता है अप्रैल के महीने में। साथ ही में चाइना के अंदर जो हमें वीवो का X Fold जो 2 स्मार्टफोन है वो हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके हमने लाइव इमेजेस के बारे में बात की है टेक्न्यूज के अंदर। वो कौन से डेट को लॉन्च होने वाला चाइना में वो पता नहीं, बट चाइना में जो है फॉर श्योर वो लॉन्च होते हुए हमें देखने को मिलने वाला है। सिमिलर काइंड ऑफ हमें X90 का जो बैक है वैसा ही हमें सिमिलर बैक जो है बैक पैनल हमें उसमें देखने को मिल रहा है, कैमरा जो का जो पैनल है वो भी हमें सेम सिमिलर हमें देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि वो भी कौन सी प्राइस पर हमें देखने को मिलता है चाइना के अंदर। साथ ही में वीवो की तरफ से और एक सीरीज़ जो है T2 और T2X, ये दो स्मार्टफोन हमें फॉर श्योर कन्फर्म है, उसकी सिर्फ डेट निकल के नहीं आई बट हमें अप्रैल के महीने में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर। अब देखते हैं कि वो दोनों स्मार्टफोन भी कौन से स्पेक और कौन सी प्राइस के ऊपर हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिलते हैं। सो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर कोई स्मार्टफोन परचेस करना है फ्यूचर के अंदर अप्रैल के महीने में तो शायद आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि शायद इसमें से किसी ब्रांड को आप अगर आप पसंद करते हो, अगर उसका स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो है आपको अलग अलग बजट के जो है इसमें देखने को मिलने वाले हैं अप्रैल के महीने में लॉन्च होते हुए। अब देखते हैं कि इसमें से कितना परसेंट जो है सही निकलता है कि कौन से स्मार्टफोन में लॉन्च होते देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर और जो ग्लोबली मैंने आपको बताया वो भी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, रिसर्च पसंद आता है, तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो रेकमेंड हो। उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पे हिट कीजिए, उसके बाद जाके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचा रहा, उस वीडियो को देख पाओ। साथ ही मैं कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहता हूँ किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और कू ऐप पर जाकर टैग गैन सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए, मैसेज करके वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं श्योर आपको गाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा जितना मैं जानता हूँ। अदरवाइज वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जितना जानता हूँ उतना आपको आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।